राम ने सब जग जानी पर प्रणाम जोड़ जुग पानी। साथ सभी महान भावों को सादर वंदन अभिनंदन है आप सब हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। एक बहुत ही सुंदर और सादगी भरा संस्कृति प्रधान उपाय हमसे आप लेने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस उपाय से अपने जीवन में लाभान्वित होंगे। पर सवाल ये है कि आप इस हमारे संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। ये जो उपाय है सर्वप्रथम हमारे महिला बहनों के लिए है जो आज अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत क्लेश और दुख की सामना कर रही है। पति पत्नी का संबंध आजकल बहुत ही कड़वाहट में गुजर रहा है जिसके कारण हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हमारे बच्चे असंतुष्ट और कुपोषण के शिकार होते जाते हैं। इस दाम्पत्य जीवन को मधुर और आनंदमय बनाने के लिए हमने कई लोगों को ये उपाय बताया कि आप ऐसे चलो और आज भारत में करोड़ों घर जो है सुख शांति और आनंद का जीवन जी रहा है। हर घर स्वर्ग की अनुभूति कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर घर में भगवान राम लक्ष्मण सीता दशरथ कौशल्या जो संबंध था हमारे पूर्वजों का ऐसा वातावरण हमारे परिवार के रहन सहन में समृद्धि आई है। पहला उपाय यह है आप लोग नोटबुक और पेन रख और ध्यान से इस उपाय को लिखिए। सर्वप्रथम सुबह 4 बजे अमृत मुहूर्त में आप जग जाएं और धरती माता को नमस्कार करें, अपने हाथों का दर्शन करें और अपने आंखों को ऐसे ऐसे दबाएं। इसके बाद पुनः आप नित्य क्रिया करें, स्नान ध्यान करके और श्रृंगार करके सज करके और एक स्वाभाविक नेचुरल खुशबू वाला इत्र का प्रयोग करें और उस इत्र को प्रयोग करने के बाद आप चाय बनाने के लिए अपने रसोई में जाएं और चाय बनाना शुरू करें। चाय बनाना जैसे ही बनना शुरू हो जाए आप इस मंत्र का जप करें मन ही मन, ओम नमो बाग दिग्वै सरस्वत्यै नमो नमः, ओम नमो बाग दिग्वै सरस्वत्यै नमो नमः। जब तक उबाली आ रहा है चाय में तब तक ये मन में आपको इस माता सरस्वती के मंत्र को जपते रहना है। पुनः चाय को छान करके एक सफेद प्याली में एक सफेद तस्तरी में रख करके और आप अपने शयन कक्ष की तरफ अग्रसर हो जाइए। हौली हौली दरवाजा को नॉक कीजिए और फिर अंदर प्रवेश कीजिए। अपने पति जी के सिर को सहलाएं थोड़ा प्रेम से और मधुर भाषा में जो आप उनको कहती हैं उस मधुर भाषा में अभिवादन करते हुए आप उनसे कहिए ये सुबह का मधुर मिष्ठान चाय है इसको ग्रहण कीजिए। हो सकता है कि पति आलस में थोड़ा इधर उधर करें, पुनः उनको फिर सिर थोड़ा मालिश करके प्रेम से उनको अभिवादन करके मीठी शब्द में वही बात फिर दोहराएं और जैसे आपके पति उठकर तौर चाय लेते हैं तो आप फिर ये मंत्र प्रयोग करें। ये मंत्र है ओम ज्ञानी नाम अपनी जेतांशी देवी भगवती सीता बलाद निश्चय मुहाय महामाया प्रयच्छति। ओम ज्ञानी नाम अपनी चेतांशी देवी भगवती सीता बलाद निश्चय मुहाय।